IBN9 न्यूज में आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रविवार रात में ग्राम खातला के एक ग्रामीण किसान के मकान में अज्ञात कारणों के चलते आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जानकारी के अनुसार पप्पू पिता बठिया निवासी खातला रविवार रात में अपने घर में सो रहा था। रात के लगभग 1 बजे पप्पू को मकान से आग के लपटे उठते दिखी। ग्रामीण पप्पू ने उठकर देखा तो उसकी किराना दुकान में भयंकर आग लगी थी। आग को देखकर ग्रामीण शोर मचाना शुरू कर दिया। उसके बाद आसपास के मोहल्ले वाले मौके पर पहुंचे और आग को बुझाने का प्रयास करते रहे, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते किराना दुकान दूध कर जलकर खाक हो गई और किराना दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया। आग की चपेट में आने से एक मोटरसाइकिल, चांदी के गहने, 50 PVC पाइप और एक बेल भी जल गया। पीड़ित ग्रामीण ने बताया कि आग लगने से लगभग 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। अगर ग्रामीण जन समय रहते आग पर काबू नहीं पाते तो अन्य मकान भी आग की चपेट में आ जाते। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति वर्ष गर्मी के दिनों में आगजनी की घटनाएं घटित होती रहती है, जिससे ग्रामीणों का गृहस्थी का सामान एवं मकान भी जल कर खाक हो जाते हैं, जिससे ग्रामीण परिवार बेघर हो जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है दुलकोट क्षेत्र में एक दमकल वाहन की बहुत जरूरत है, क्योंकि दमकल वाहन नेपानगर ब्रह्मपुर से आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। धूलकोट से भरत चौहान की रिपोर्ट। बिजली फॉल्ट हुई थी, उसकी वजह से आग लगी। साहब फिर ये बुरे पारी है थे, उसने चिल्लाए, सब हम दौड़ के आए और सब मिल के आग बुझा। बेल मर गया साहब, दुकान जल गई, किराना एक मोटरसाइकिल जल गई और दुकान में रखी हुई चांदी थी साहब 750 ग्राम वो भी जल गई है साहब। और कितने का नुकसान हुआ आपको? सर करीब करीब 2.5 लाख का। क्या नाम आपका? खुम सिंह खुमोरे। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए IBN News 9 के साथ। नमस्कार।